आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में अगर ज़्यादातर हर घरों में सांप गाँव में निकल ही आते हैं, ऐसे में सांप काटने का डर सताता रहता है। तो अगर आपको जैसे सांप काट भी ले तो काटने के बाद आप कैसे पहचानेंगे कि यह सांप जहरीला है। भारत में 90% सांप बिना जहर वाले पाए जाते हैं, जबकि 10% सांप होते हैं वो जहर वाले होते हैं। तो बात करते हैं, अगर आपको सांप काट भी ले तो आप कैसे पहचानेंगे कि सांप जहरीला है या नॉन जहरीला है, जहरीला नहीं है। अगर सांप काट भी ले तो उसके बाद क्या हमको तुरंत सावधानियां बरतनी है, ये सभी बात हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको अगर सांप काटते हैं तो तुरंत आप किसी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाकर संपर्क कीजिएगा। अगर आपको बताते हैं कि अगर सांप आपको काट भी ले तो कैसे पहचानोगे, अगर आपको दो निशान हों सांप के काटने के, अगर दो दांत लगे हुए हों तो यह जहरीला होता है। जबकि अगर अगर थोड़े छोटे छोटे अगर अन्य दांत और सैले दांत लगे हुए होते हैं, ज़्यादा दांत लगे होते हैं, तो यह माना जाता है कि जहर वाला नहीं होता है, कम जहर वाला सांप होता है। लेकिन अब ऐसी बिल्कुल भूल ना करें कि आप डॉक्टर से जाके तुरंत जाके ही संपर्क करना चाहिए। अगर बात है अगर आपको जैसे सांप काट भी ले तो आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको कोई जादू मंत्र या टोना के बारे में से बचना है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। दूसरा है कि आप जिस जगह सांप काट रहे हो उस जगह मुंह से उसको खून को चूसना नहीं है, उसको छोड़ना है, उस जगह को आपको काटना फाड़ना नहीं है, ठीक है। उसको आपको उस जगह को इतने टाइट भी नहीं बांधना है कि जिससे आपका खून का जो फ्लो है वो बंद हो जाए, जिससे आपके लिए पैर को काटना पड़ सकता है। उस जगह को आपको जलाना भी नहीं है। आप अपने मन से कोई भी हर्बल पेस्ट या कोई दवाई उस चीज़ पर उस पैर पर या जिस जगह काटा है उस जगह नहीं लगानी है। आपको करना क्या है, करने की बात करते हैं, आपको जिस जगह काटा है उस जगह पर आप दो तीन जगह हल्का हल्का पट्टी बांध सकते हैं, जैसे खून का फ्लो बना रहा है फिर भी इतनी तेज़ी से आगे ना बढ़े। दूसरी चीज़ है उसको सही से साफ़ करना है और उसको साबुन और पानी से उसको जगह को साफ़ कर देना है। आपको जल्दी से जल्दी हो सके जितना जल्दी आप उसे एंटी वेनम इंजेक्शन लगवाने की जल्दी से जल्दी एंटी वेनम इंजेक्शन